डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस नए वीडियो के माध्यम से अपने चैप्टर सिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज 17 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स को दिए गए हैं जिसको फिल करने हैं। जैसे 13 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 30। तो अपना प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर प्रॉपर्टी के अनुसार, यदि उनके नंबरों के क्रम को ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है तभी उनके प्रोडक्ट सेम होते हैं। इसलिए 20 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पर हम 20 फिल कर देंगे। सेम उसी प्रॉपर्टी के आधार पर 3 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर करेंगे। क्या फिल करेंगे? 3। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर इटसेल्फ प्राप्त होता है, क्या होगा? 750 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 750। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हमें प्राप्त होते हैं? 0। तो यहाँ पर 628 को मल्टीप्लाई 0 से किए तो क्या हो गया? 0। उसी तरह आगे है, एक नंबर में 9 मल्टीप्लाई 5 एक ग्रुप में किया गया है, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है बॉक्स इनटू 3। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का के आधार पर यह क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके अनुसार 2 से अधिक नंबरों के प्रोडक्ट में अगर उनके ग्रुप को चेंज कर दिया जाए तो उसके प्रोडक्ट सेम होते हैं। तो यहाँ 9 इंटू 5 इंटू 3 है, तो यहाँ भी 9 इंटू 5 कर देंगे बॉक्स में और इंटू 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के आधार पर है कि 2 नंबर के सम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इक्वल होते हैं इन एडेड और दिए गए नंबर के प्रोडक्ट के सम के बराबर। तो क्या हो गया? 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 होंगे, तो 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू बॉक्स में क्या फिल कर देंगे? 7। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को हमें सॉल्यूशन कर लेना है। आगे एक्सरसाइज जो है 19 के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 19 में मल्टीप्लिकेशन पर के आधार पर आधारित कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स इज ₹50, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच 9 पेंसिल बॉक्स। तो एक बॉक्स का दाम ₹50 है, 9 का मालूम करना है, 50 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बॉक्स इक्वल टू 50, द कॉस्ट ऑफ सच 9 पेंसिल बॉक्स इक्वल टू ₹50 मल्टीप्लाई 9 900 95 45 450। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि देयर आर 7 डेज इन ए वीक। हम लोग भी जानते हैं 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन 12 वीक्स, 12 वीक्स में कितने दिन होंगे? तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 7 जा 84। तो क्या होगा? 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, तो 12 वीक्स इक्वल टू 12 इंटू 7 यानी 12 7 जा 84 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹8, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच 9 बॉल पेन्स। 1 बॉल पेन की कॉस्ट जो है कीमत है ₹8 है, तो 9 बॉल की कीमत जानने के लिए क्या करेंगे? 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 जा 72 यानी ₹72। क्या हो जाएंगे? द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इक्वल टू ₹8, द कॉस्ट ऑफ सच 9 बॉल पेन बराबर ₹8 × 9 इक्वल टू ₹72। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर डी कि देयर 5 डजन बनानाज इन ए बास्केट। एक बास्केट में कितने बनानाज है? 5 डजन। हाउ मेनी बनानाज वेयर इन ऑल, यानी टोटल बनाना कितना है? तो हम लोग जानते हैं कि ए 1 डजन में 12 यूनिट होते हैं, 1 डजन में 12 यूनिट होते हैं, यानी कि 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट। तो 5 डजन बनाना आज मीन्स हाउ मेनी यूनिट, तो 5 डजन बनाना इक्वल टू 5 इंटू 12 इक्वल टू 12 5 जा 60 बनाना
तो वी से दैट बनाना इन द बास्केट इक्वल टू 60। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है जिसे मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसको इसी तरह बाकी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।